हाउ वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसको चाइना डिश में रख देते हैं। उसके बाद चाइना डिश में जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट रहता है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और इसे मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं कि चाइना डिश को किसी बर्नर जलते हुए बर्नर पर रखते हैं जिसके कारण इवापोरेशन होता है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर इवापोरेट होकर के निकलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं कि जो अगर वाटर वेपर बन के निकल जाएगा तो कॉपर सल्फेट रहेगा, उसको हम लोग फिल्टर पेपर से ढक देंगे, फिल्टर पेपर से 1 दिन के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन देखेंगे कि प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन गया है। इस तरह से हम लोग प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले इम्प्योर कोई भी सब्सटेंस होगा उसको लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि उसे वाटर में मिक्स करेंगे, उसके बाद उसका इवापोरेशन कराएंगे, उसके बाद उससे फिल्टर पेपर से ढक देंगे 1 दिन के लिए। दूसरे दिन देखेंगे कि प्योर उस पदार्थ का क्रिस्टल ऑब्टेंड हो गया है। ओके, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। थैंक यू।